का नाम है नीमाटोडा या फिर राउंड वर्म्स। पर इसके जो लोग हैं ना, ये काफ़ी हद तक अर्थवर्म की तरह दिखते हैं, पर इनमें कुछ कुछ चेंजेस हैं। ये अर्थवर्म की तरह सीधे साधे नहीं है, हमारी मदद नहीं करते, ये बहुत बदमाशी करते हैं। बहुत सारे इनमें से जो इनके मेंबर्स हैं, ये हमारे पेट में जाते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं और हमारा खाना चुराते हैं। तो चलो इन बदमाशों को भी देख लें, है ना। और ऐसे सुनिए, तू बदमाशी करेगा और चाहते को बताती हूँ। स्टार्ट कर देते हैं हम लोग फाइलम नीमाटोडा को। हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू PYP। बाय है पढ़ेगा। आई एम प्रियांशी, डायटियन हु लव्स बायोलॉजी एंड आल्सो टीचर सेट। और हम लोग को पढ़ना है नीमाटोडा को। पर इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने से पहले इनकी फोटो देखें, इनकी शक्ल देखें, ताकि हमको पता तो हो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो देख लेते हैं, ये देखो भाई, ऐसे दिखते हैं ये। और ये भाई साहब का नाम क्या है? इसका नाम है एस्कैरिस, ठीक है। नीमाटोडा को इन जनरल हम लोग प्यार से बोलते हैं राउंड वर्म्स, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे वर्म्स हैं जो कि राउंड राउंड हैं। क्योंकि ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इसके पहले जो वर्म्स थे ना, वो प्लेट की तरह चिपटे थे, प्लैटियल मेंथेस, पर अब राउंड गोल सिलेंड्रिकल वर्म्स आ गए, ठीक है। इसको देखो, सिलेंड्रिकल है ये, है ना। एस्कैरिस नाम है इन भाई साहब का, और ये अपने इंटेस्टाइन में रहते हैं। अच्छा, आई डोंट नो तुम लोग के साथ ये आएगी नहीं, पर जब हम लोग छोटे थे ना, तो मम्मी लोग बोलती थी ज़्यादा मीठा मत खाओ, मीठा खाने से पेट में पटार होती है। क्यों? इनकी बात कर रहे थे, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये ना हमारे इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और हमारे खाने को, हमारे डाइजेस्टेड खाने को इन लोग खाने लगते हैं भाई, ठीक है। तो ये बदमाशों को, इनका नाम है एस्कैरिस। और तुम लोग को पता है, ये ना पहले ऐसे एनिमल्स थे जिसमें मेल और फीमेल अलग प्राणी में आया था, ठीक है। मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक अलग प्राणी में, एक अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक दूसरे प्राणी की बॉडी में, ठीक है। और ये देखो, ये एक फीमेल एस्कैरिस है और ये एक मेल एस्कैरिस है। तो देखो, मेल कैसा छोटू सा है, फीमेल एकदम बड़ी सी हट्टी कट्टी ताकतवर। शुरुआत है भाई, देखो नेचर है, नेचर ने क्या सोचा, नेचर ने सोचा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जा रहा है तो उसका मिशन है कि वो अपनी प्रजाति को बढ़ाए, है ना, प्रोक्रिएट करे, अपने बच्चे बनाए। तो भगवान जी ने बोला कि यार ये तो फीमेल बस कर सकती है, फीमेल ही तो बच्चे बना सकती है, मेल तो बस अपनी एक सेल देता है फीमेल को कि ले भाई, है ना, पर असली काम तो फीमेल का है, तो मैं फीमेल को स्ट्रांग बनाऊंगा। हाँ, तो शुरुआत में यही चाहता था, शुरुआत में फीमेल्स का बोल बना था, वो तो आगे जाके मेल्स ने गड़बड़ कर दी, पर शुरुआत ऐसे हुई थी, ठीक है। तो हाँ, ये अपने एस्कैरिस हैं भाई। और इनका अपन देख लेते हैं इनकी बॉडी ट्रेस को। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हमें देख लिया था इसके पहले। प्लैटियल मेंथेस जो हमारे प्लेट की तरह वर्म्स हैं, उन्होंने ऑर्गन ले आए थे, ठीक है। तो इनके पास सिर्फ ऑर्गन नहीं है, इनके पास पूरा ऑर्गन सिस्टम है, मतलब कि खूब सारे ऑर्गन्स हैं जो मिल करके एक ही काम को कर रहे हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट भी है जो एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है जो एक दूसरा ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है जो कि अलग से भी एक ऑर्गन है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है इसमें ऑर्गन सिस्टम। जब हम डेस्ट होंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाना है, इतने सारे ऑर्गन्स बनाने हैं, सबको कनेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है 3 जर्मलेस लगेंगे ही लगेंगे। तो हम लोग लिखते हैं ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्ट कर दो 3 बार, ओके। तो इनकी सिमेट्री कैसे है, इनको तो सच में करना चाहिए ब्लास्ट, बदमाश, ठीक है। इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, इनकी बॉडी की सिमेट्री भी है बायलैटरल, ठीक है। बायलैटरल क्यों? क्योंकि यार ये मान लो ये अपना वर्म है, ठीक है, अपना ये एस्कैरिस, एक जगह इसका मुंह होगा, एक जगह इसका एनस होगा, ठीक है। तो मैं यदि ऐसे काटती हूँ तो भरी इसकी लंबाई सेम है, पर ये एक जैसे नहीं है, क्योंकि एक जगह इसका मुंह है ना, एक जगह एनस है, तो सेम नहीं है। बस मैं इसको ऐसे काट सकती हूँ इक्वल हिस्सों में, ठीक है, बीच से चीरा मारना होगा तब ये इक्वल हिस्से में कटेगा, ठीक है। तो ये वाला अपना बायलैटरल है, ओके, सीरोन। तो भाई सुनो कहानी, अपन देखा था कि इसमें सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं, है ना। इसके पहले जो प्लेट टाइप के वर्म्स है, चिपटे वर्म्स है, उनने तो कोशिश भी नहीं की थी सीलोन बनाने की। अब इन लोग बोलते हैं कि यार मेरी बॉडी इतनी एडवांस हो गई है कि ऑर्गन सिस्टम तक आ गए, अब ना मैं चाहता हूँ कि अच्छी सी जगह हो जहाँ पर मैं अपने ऑर्गन सिस्टम को रख पाऊँ, ठीक है। मेरी बॉडी के अंदर अच्छी सी जगह होनी चाहिए, खाली जगह, जहाँ पर मैं रखूँ अच्छे से सजा सजा के अपने ऑर्गन्स को, ठीक है। तो उससे ना, पर इसने कोशिश की सीलोन बनाने की, ठीक है, ये कोशिश करता है सीलोन बनाने की। सीलोन आपने देखा था कैसा होता है, ड्रम जैसा, खाली ड्रम, बॉडी के अंदर ये एक्टोडर्म होता है, ये एंडोडर्म होता है, और फिर ऐसी मीसोडर्म ऐसे बीच से स्प्लिट होता है, और ऐसी बड़ी सी कैविटी बनती है ना।
पर ये ना क्या करता है, ये कोशिश तो कर रहा है कैविटी बनाने की, पर इसको पता नहीं है कि मेजोरम को फाड़ना होता है। कैविटी बनाने के लिए मेजोरम को स्प्लिट करना होता है दो हिस्से में, इसको पता नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ना ये ऐसा करता है, ये ऐसे करके ना अपनी बॉडी में ये एक्टोडर्म एंडोडर्म और कुछ कुछ ऐसे पॉकेट बना लेता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब छोटी छोटी कैविटी है अपने में। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि यार ठीक है, इसको अच्छी कैविटी नहीं बना पाए ये, पर इसको डिस्क्रेडिट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट ही ट्राइड है ना, एटलीस्ट राउंड वर्म ने, नेमाटोड ने ट्राई तो किया, तो हम उनको उनका भाव देते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं ये बोल के कि चलो ठीक है तुम्हारी पूरी कैविटी नहीं बन पाई तो क्या, हम लोग तुमको बोलेंगे फिर भी, हम लोग दे देते हैं सीओडो सीलोम। ठीक है, मतलब कि क्या, सीओडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, झूठी की कैविटी है यार इसकी। ठीक है, कैविटी तो है पर बॉडी कैविटी नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता अपन की एकदम अपने टाइप की है ना, तो अपन बोलते हैं ये छोटी कैविटी, फॉल्स सीलो, स्यूडो सीलो। स्यूडो कहीं भी देखे, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, नकली। ठीक है, स्यूडो सीलो कैन के पास मतलब कॉड है, ये तो भाई अपन को पता है कि सिर्फ कॉडेट होता है, ये तो इसके बारे में तो टेंशन ही छोड़ देता है। हाँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई बताओ कौन सा फाइलम है जिसके पास है स्यूडो सीलो, तो अपन लिखते हैं कि हाँ नीमाटोडा। कैसे याद रखना है इस बात को कि नीमाटोडा ये है स्यूडो सीलो वाला, इसलिए ना जब मैं तुम्हारी जगह थी, मैं छोटू थी, तो मैं ऐसे मेरे दिमाग में ना ये कहानी बनाती थी कि मैं मेरे को मिला मिला एक एस्कारिस। ठीक है, ये एस्कारिस मिला मेरे को, मैंने बोला तेरा नाम क्या है, ठीक है तेरा नाम बता। ठीक है, उसने मेरे को गलत नाम बताया, फॉल्स, स्यूडो नेम बताया इसने मेरे को, स्यूडो गलत, फॉल्स झूठा। इसने बता दिया मेरा नाम है प्रियांशी, मैंने कहा है प्रियांशी तो मेरा नाम है, तू झूठ बोल रहा है। ठीक है, झूठ, स्यूडो, स्यूडो कैविटी किसके पास है, नीमाटोडा, नाम नीमाटोडा। ठीक है, मैं ऐसी कहानी इमेजिन करती हूँ ताकि मेरे को याद रहे, आई डोंट नो इफ इट इट विल वर्क फॉर यू, पर कोशिश कोशिश करने में क्या जा रहा है ना। हाँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है, एस्कारिस है, वो चेलिया, ये और भी बड़ा उच्च उच्च कोटी बदमाश है, हम लोग देखेंगे कैसे भाई, दूसरा ही कुआ, ये नन्हे मुन्ने हैं पर ये भी बदमाश है, सबकी फोटो देखी जाएगी, एस्कारिस तो देख चुके हैं है ना, वो चेहरा देखो ये है, कभी देखा ही है किसी को, किसी का पैर इतना मोटू हो गया है। इस डिजीज को बोला जाता है एलिफेंटियासिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ना जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड की नली जिसके अंदर ब्लड बहता है, वैसे ना एक होता है लिम्फ। ठीक है, ब्लड का ही भाई होता है ये भी अपने अपनी बॉडी में लिम्फ वेसल्स होती है उसमें तैरता है। ठीक है, पर ये जो बदमाश है देखो कितना छोटा साइज इसका है ना, रेड ब्लड सेल्स ये रेड रेड इसके साइड में, इतना छोटा साइज इसका है ना, फिर भी ये क्या करता है, ये ना अपनी जो लिम्फ जो वेसल्स हैं, जो नली है जिनके अंदर दौड़ता है लिम्फ, ठीक है ये लिम्फ दौड़ रहा है इसके अंदर, ये अपना बदमाश वो चेरिया है ना, क्या नाम है इसका, वो चेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये क्या करता है, ये ना यहाँ पे पार्टी करने लगता है भाई, खूब सारे लोग आके पार्टी कर देते हैं और इसको क्लॉक कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने इसकी नली को, ठीक है लिम्फ की वेसल को, तो ये लिम्फ क्या है, लिम्फ यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर ऊपर जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये लिम्फ वेसल मोटी हो जाएगी, लिम्फ यहाँ पे जमा होता जाएगा, ठीक है बाहर निकलता जाएगा लिम्फ वेसल से। ठीक है, पानी टाइप का तो है लिम्फ, है बाहर निकल जाता है और देखो क्या हो गया, फाइनली इसका पैर इतना मोटा होगा क्योंकि पूरे में लिम्फ अक्यूमुलेट हो गया है, इसके में पूरा लिम्फ जमा होता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये बदमाश कौन, वुचेरिया बदमाश। ठीक है, दूसरे जो वर्म्स हैं छोटे छोटे क्यूट वर्म्स, इसमें इसमें जो दिख रहा है छोटा छोटा, इसका नाम है पिनवर्म। ठीक है, जैसा नाम जैसी शक्ल वैसा नाम, दूसरा का नाम है हुक वर्म क्योंकि गोल गोल बॉडी है ना इसकी, है ना हुक टाइप की गोल, हुक ऐसी गोल होती है तभी तो अटकती है, ऐसे ऐसे होती है ना, तो इसकी बॉडी भी गोल गोल है इसीलिए इसको हुक वर्म बोलते हैं, छोटू छोटू अपने छोटे में आपको बोलते हैं पिन वर्म। ठीक है, अब मैं दिखाने वाली हूँ एक ऐसा नेमाटोडा को जो एक अच्छा नेमाटोडा है, ठीक है अच्छा आदमी है, अच्छा राउंड वर्म है, अपने बहुत काम आता है। ठीक है, मतलब माना कि इनका परिवार होता है ना, चार हाथ की चारों हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसके सारे भाई बहन बदमाश है, तो क्या ये अच्छा आदमी है। ठीक है, इसका नाम है क्या, इसका नाम है सी एलिगेंस। ठीक है, सी एलिगेंस ये भाई अपने लैब्स में बहुत काम आता है, इसके ऊपर अत रिसर्च होती है। तुम लोग को एक बात बताओ, जैसे ही ना ये बात पता चली कि भाई अपन ना अपने डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं, मतलब हम लोग को पता चल सकता है कि हमारे डीएनए में
किस कोड से बना है, क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे कैसे किस फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो सबसे पहले ना अपन ने क्या किया था, अपन ने ना सी एलिगेंस के डीएनए का राज खोला था कि भाई तेरा डीएनए कैसा दिखता है, कैसे बना है। ह्यूमन से भी पहले सी एलिगेंस का हो चुका है, इसका जीनोम सबसे पहले सीक्वेंस हो गया है। क्योंकि अपन ने ऐसा, यार अपन ने सेल्फिश है अपन अपने काम के लिए, ऐसा नहीं कि सी एलिगेंस से बहुत प्यार है कि ले तेरा तेरा जीनोम ये ले। नहीं, अपन को काम था उससे। अपन क्या करते थे, अपन इसके जीनोम पे कुछ कुछ चेंजेस करके स्टडी करते थे कि चेंज करने से क्या फर्क आ रहा है लैब में, ठीक है। पर इससे ये इस बात को दर्शाता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सी एलिगेंस नहीं होता तो हम लोग खूब सारी रिसर्च नहीं कर पाते। प्लस तुमको पता है ये भाई साहब ना, ये स्पेस में भी जा चुके हैं, ठीक है। इनको स्पेस में भेजा गया था ये पढ़ने के लिए कि स्पेस में एजिंग कैसी होती है, मतलब कि क्या क्या स्पेस में लोग जल्दी बूढ़े हो जाएंगे या लेट बूढ़े होंगे, एजिंग का सीन क्या है यदि कोई स्पेस में जाएगा तो, ठीक है। इसकी स्टडी की गई थी इसके ऊपर, तो ये बहुत फेवरेट रिसर्चर का टॉपिक है। ये ऐसे छोटू छोटू इस पर ग्रो करते हैं, और ये जो तुम लोगों को दिख रहा है ये है माइक्रोस्कोप के अंदर का व्यू, माइक्रोस्कोप से देखते हैं इसको, ठीक है। तो अब सब देख लें हम लोग, नेमाटोड क्या होता है, इनका पूरा कच्चा चिट्ठा अपने सामने आ गया है। अब नेक्स्ट है अपने को अर्थवर्म के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो ठीक है भाई, इन बदमाशों को याद रखना, इनका नाम मत भूलना, भले ही ये झूठा नाम है। वीडियो को लाइक करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों, बाय। तो कल मिलेंगे, कल मिलेंगे।